यात्रा। अमरपुर नाम के एक गांव में विमल हलवाई अपने दो छोटे बच्चों और बीवी के साथ रहता है। विमल की पत्नी ज्योति भूत प्रेत जादू टोने में बहुत माना करती थी। इसका बिल्कुल विपरीत विमल इन चीजों को दक्यानों से माना करता था। रोज की तरह विमल अपने मिठाई की दुकान जाने के लिए निकलने की हड़बड़ी में होता है। मैं निकलता हूँ ज्योति, देरी हो जाएगी, दुकान भी खोलनी है मुझे। अजी ध्यान से, आज अमावस्या है, रास्ते में कोई कपड़ा या कुछ भी गिरा हो तो उसे लांग मत दीजिएगा, बगल से चले जाइएगा। अरे ऐसे तो तुम मुझे पागल ही कर दोगी क्या? हाँ, मैं नीचे देख कर चलूं कि सामने से कोई गाड़ी घोड़ा आकर मेरे ऊपर से चला जाए, दोनों हालत में तो मेरी ही मौत है। अरे क्यों सुबह सुबह इतनी अपसुगनी बातें कह रहे हो जी, मेरे गांव में तो ऐसा आंखों के सामने होता हुआ देखा है मैंने, इसीलिए कहती हूँ, वरना मुझे क्या, पड़ोसी को तो नहीं कहना चाहती मैं, पति हैं आप मेरे इसलिए बोल रही हूँ। विमल अपनी मिठाई की दुकान चला जाता है। दुकान पर पहले से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ये लो, वहाँ ज्योति अमावस्या को लेकर परेशान है और आज तो हमेशा से ज्यादा ही लंबी लाइन लगी पड़ी है, अच्छी खासी बिक्री होगी आज। विमल दुकान खोलता है, एक के बाद एक ग्राहक उसकी दुकान पर मिठाई ले रहे होते हैं। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत विमल से कहती है, जिस तेजी से बिक्री हो रही है कहीं किसी की नजर ना लग जाए, नींबू मिर्ची टांग ले। अरे क्या चाची, तुम भी, ये सब नजर बजर कुछ नहीं होता है, कैसे लोग हैं मेरे आसपास। अपनी दुकान से शाम को विमल हंसते कूदते वापस घर आता है। हाँ, आज तो अच्छी खासी बिक्री हुई है, एक महीने में जितनी बिक्री होती है एक ही दिन में, आज उतने पैसे कमा लिए मैंने। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, आज ही घर की नजर उतारी है मैंने, बिक्री तो अच्छी होनी ही थी। अच्छा तुम खाना लगा दो, सारा माल बिक चुका है, मुझे शहर जाना होगा, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, रात भर मिठाई बनाऊंगा तब जाकर कल सुबह दुकान खोल पाऊंगा। खाना खाकर विमल शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। सुनिए जी, ध्यान से जाइएगा, चौरस्ते पर किसी जादू टोने की चीज पर पैर मत रख दीजिएगा। हे भगवान, हद हो गई ज्योति, ये तो मैं जा रहा हूँ। विमल गुस्से से शहर जाने निकल पड़ता है। रात का काला घना अंधेरा, चांद की एक भी किरण ना होने के कारण अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। जंगल के बीच के एक अधकच्चे रास्ते से विमल जा रहा होता है। चारों तरफ गुफ अंधेरा और सन्नाटा सुनाई दे रहा था, और सुनाई दे रही थी विमल के पैर के नीचे आ रहे सूखे पत्तों की आवाजें। तभी अचानक दूर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे ये इतनी रात को जंगल के रास्ते कौन जा रहा है, शायद कोई टोली होगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धीरे धीरे आवाज कुछ कुछ सुनाई पड़ती है। आवाज धीरे धीरे और नजदीक आती सी लगती है। विमल देखता है कि उसके सामने से सजी धजी सफेद कपड़े में लिपटी एक अर्थी निकल रही है, जिसके साथ पांच लोग ही थे। चार आदमियों ने उसे कंधा दिया हुआ था, एक मटका लिए आगे आगे बढ़ रहा था। विमल के बिल्कुल सामने आकर अर्थी रुक जाती है। उसमें से एक आदमी विमल से कहता है, अरे भाई जरा अर्थी को कंधा लगाना, मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ भाई कंधा तो मैं लगा दूं, पर रात को 12 बजे ये शव यात्रा, इस समय कौन अर्थी ले जाता है। तभी विमल को ऐसा लगता है कि शव में से आवाज आई। ये आवाज मजबूरी है भाई, आप कंधा दीजिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ आपको।
विमल अर्थी को कंधा दिए चल रहा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि हाथ में मटका लिए जो आदमी शव के आगे चल रहा है उसके पैर उल्टे हैं। क्या हुआ भाई, हकला क्यों रहे हो? वो आपके साथी के पैर उल्टे। विमल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि वो देखता है कि उस आदमी के पैर तो सीधे ही हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे शायद वहम हुआ होगा। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे होते हैं, तब विमल को अचानक लगता है मटके में से एक हाथ बाहर आ रहा है। विमल घबरा जाता है, इसके पहले वो कुछ बोल पाता कल्लू कहता है, मेरा नाम कल्लू है, हम 6 दोस्त थे जिसमें से एक को तो तुम सोया हुआ देख रहे हो। इतनी पक्की दोस्ती थी कि जैसे हम सब सगे भाई हैं। पर किस्मत का कोई क्या कर सकता है, आज से 4 साल पहले एक नदी में हम सब नहाने गए थे जिसमें डूबकर राजेश की मौत हो गई। किसी मजबूरी के कारण हमें उसकी अर्थी को रात को ही शमशान घाट ले जाना पड़ा। हम 5ों उसे ले जा रहे थे। 4 साल पहले आप 5ों में? मैं कुछ समझा नहीं। मंकू अपनी गर्दन पीछे घुमाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बीमल से कहता है, अरे भाई पूरी कहानी खत्म होने दो, फिर बीच में बोल लेना, ठीक है? तभी रास्ते में एक हादसे में अपने दोस्त के साथ हम सभी मर गए। वो सामने देखो, हमारा दोस्त। विमल सामने देखता है, उसे दिखता है कि एक ऐसा आदमी जिसका शरीर कई जन्मों से पानी के अंदर रहने के कारण सफेद पड़ गया है, उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। फिर ये अर्थी किसकी है? अर्थी के साथ के लोग अर्थी को नीचे रखते हुए एक साथ विमल की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम खुद ही देख लो। विमल शव पर से सफेद कपड़ा हटाता है। शव की जगह खुद को ही देखकर विमल के होश उड़ जाते हैं। वो शव विमल की ही थी। पलक झपकते ही विमल उस अर्थी की जगह पर होता है। 6 के 6 दोस्त उसी तरह अर्थी को उठाकर चलने लग जाते हैं। राम नाम सत्य है। हमारी ये कहानी पसंद आई होगी? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। एक समय की बात है, एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी।
अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद तई मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोल कर कहता है, क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो। मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे जिससे ये गांव अपशापित हो चुका है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा। तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए, कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी ही फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है। बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं, वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना, उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान मैं क्या वापस आऊंगा, लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है। हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है, आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है, मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरिया वहां रख के जैसे ही जाने लगता है तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुप कर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है।
हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना, आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ तुमने सही कहा, अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहां से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहां से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के काम चोर हैं, बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे, हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा। तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।